क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सम ऑफ द पेरीमीटर, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल एंड स्क्वायर इज के। ठीक है, स्क्वायर और सर्किल दोनों को पेरीमीटर को सम करेंगे तो कितना है के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। तो सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr रेडियस, r इज रेडियस, ठीक है 2πr। और स्क्वायर का साइड, यदि हम ऑल साइड इक्वल होते हैं, साइड एस यूनिट मानते हैं, तो साइड हो जाए, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4x, दोनों ऐड करेंगे 2πr प्लस 4x इक्वल टू के। आगे देखिए क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, ठीक है, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, सम ऑफ देयर एरिया, सम ऑफ देयर एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड एक्स स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिस्ट शो करना है हमें। लेकिन कब, व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर एक्स जो हम कंसिडर करेंगे अभी, ये क्या होना चाहिए, डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल, एक्स इक्वल टू 2r। ठीक है, ये कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 2r मिलेगा, क्वेश्चन में तो हमें यही प्रूफ करना है, एक्स इक्वल टू 2r प्रूफ करिए, एरिया लिस्ट होना चाहिए। पहले हम एरिया लिस्ट दिखाएंगे, फिर वो पॉइंट जो मिलेगा हमें, उस पॉइंट में हमें शो करने की कोशिश करेंगे एक्स इक्वल टू 2r। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सर्किल का रेडियस और स्क्वायर का साइड्स कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल एंड एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर, एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड आर बी द साइड ऑफ द सर्किल। तो क्या चाहिए, पेरीमीटर इसका, सर्किल का, पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होगा, ये 2πr, पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, सर्किल का पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, सॉरी 4x, 4 इनटू साइड, ये हो गया। अब क्या करना है, क्या कहा है, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सर्किल स्क्वायर इज k, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्किल स्क्वायर इज k, 2πr प्लस 4x इक्वल टू k। अब ठीक है, अब करना क्या है, अब हमें सम ऑफ देयर एरिया, जब सम ऑफ देयर एरिया का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, तो एरिया के एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल मिलेगा, एक x और r, ठीक है, और लिस्ट मिनिमम
एरिया को लिस्ट दिखाना है तो ये क्वेश्चन मिक्स में मिनमा को होगा। तो आगे का प्रोसेस आपको मालूम ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना, और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये हमें ऑब्जर्व करना होगा। फिर उसके बेस पे हम बताएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि मिनिमम वैल्यू। तो ये सारा प्रोसीजर आपको मालूम है क्या क्या फाइंड करने वाले हैं। तो एरिया के एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल होंगे, एक रेडियस आर और दूसरा साइड एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे, तो एक्स और आर को किसी एक को दूसरे एक टर्म में उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम x को r के टर्म में या r को x के टर्म में फाइंड कर लें, फिर वहाँ पे पुट कर लेंगे, पूरा हमारा एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x इन टर्म्स ऑफ r फाइंड कर रहे हैं, x इन टर्म्स ऑफ r, ठीक, x इन टर्म्स ऑफ r, तो क्या हो जाएगा के 2πr को ट्रांसफर कीजिए, 2πr हो गया, ये हो गया 4x = 2। फिर 4 को डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू क्या मिल गई, k-2πr/4, x = k-2πr/4, x = k-2πr/4, इसको आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और x = इन टर्म्स ऑफ r फाइंड करने का एक और रीज़न ये भी है कि हमें यहाँ प्रूव करना है साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या प्रूव करना है, x = 2r, इसको भी सिंप्लीफाई करके लास्ट में हम 2r इक्वल लेके आएंगे, तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर दीजिए, पुट दिस इक्वेशन इज क्वेश्चन नंबर 1। कल मिल गया, अब एरिया की बात करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल इज πr². एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड मीन्स x², ठीक है। सम ऑफ देयर एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर एरिया, इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कंसीडर कर लिया ये। तो ये क्या हो गया, πr² + x² x को इससे रिप्लेस कीजिए k-2πr/4, ठीक है। x को इससे रिप्लेस कर ले, अब πr² + k-2πr/4 स्क्वायर वेरी रिप्लेस। अब इसको सिंप्लीफाई कर एक्सप्रेशन को, क्या करेंगे, स्क्वायर इसको एक्सपेंड करेंगे और एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो a = πr² + a-b² करते हैं, a² + b² - 2ab, इससे हम लोग खोलेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, a² means k² b² means 2πr² क्या हो जाएगा, 4π² r², ठीक है। -2ab
तो 2 to 4, 4kyr, ठीक है, पाई को पहले भी लिख सकते हैं हम। और फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब क्या करिए, आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 16, यहाँ हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 4k πr, ये हो गया 1/16 को बाहर कर लीजिए, हम इसको एक ब्रेकर में पुट कर दीजिए, ठीक। ये हमें एरिया का एक्सप्रेशन फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमारा स्टेप क्या है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, क्या फाइंड करें, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट का होगा नहीं, ठीक है, आर 16 पर ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, आर स्क्वायर का 2r, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 πr, के इज कांस्टेंट, तो ये हो गया 0, ठीक है यहाँ तक। फिर ये देखिए 4π² का नहीं होगा, r स्क्वायर का 2r, तो ये 2 और ये 4 8 हो जाएगा, 8π² r, और 4k πr, फिर यहाँ पे r का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4k π, यहाँ तो समझ में आया, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, तो एक्सप्रेशन को दोबारा लिख देते हैं हम, ठीक है, तो क्या मिला हमें, डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर 1/16, 32 πr, 0 छोड़ देते हैं, प्लस 8π² r माइनस 4k π, 4 कॉमन मिल रहा है, 4 यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से 4 आप कॉमन लेके 16 से डिवाइड कीजिए, 4 से 16 डिवाइड कीजिए, 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है, 4 यहाँ से 4 जाएगा, 8 8π r, 4 2π² r, kπ 1/4, 8kπ, 2π² माइनस kπ। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इसको क्या करना है, स्टेप प्रोसीजर क्या कहता है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। अब एक काम करते हैं, पहले आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए,
फिर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है अब हमें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, वी गेट क्या मिलेगा हमें, सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, करते हैं 1/4, वन बाई फोर एट के आर, आर का वन हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें 8π। फिर देखिए, फिर आर का वन होगा तो कितना मिलेगा, 2π² और के पाई का 0। ठीक है, तो 0 रिमूव करके लिखते हैं एक्सप्रेशन को, और 2 भी कॉमन आ रहा है ना, 0 रिमूव हो जाएगा, 2 बाहर ले लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ये होगा 4π और ये 5² ये समझ में आ गया होगा। 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा ये 2π प्लस 5² / 2। अभी देखिए 2π जो है पॉजिटिव वैल्यू है, पाई एक पॉजिटिव वैल्यू होती है 22/7, 5² / 2 ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो टोटल हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव कैसी मिली, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है ये इंडिकेट करता है सेकेंड डेरिवेटिव, यदि पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है जो एक्सप्रेशन हमारा होगा, ठीक है, ए वो हमें लिस्ट मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, सेकेंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव मिले आता है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, क्वांटिटी है, वो कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम लिस्ट। यहाँ से ये क्लियर हो गया, तो फिर भी हमको पॉइंट पुट करना होगा, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो हमें क्या प्रूफ करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आप क्या करिए, ये तो क्लियर हो गया है कि हमारा एरिया, ये तो प्रूफ हो गया कि सम ऑफ द एरिया लिस्ट, ये लिस्ट है, पॉइंट फाइंड करते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना होगा हमें, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको 0 इक्वल टू पुट कीजिए, 1/4 8π r प्लस 2π² r माइनस k π इक्वल टू 0। 4 से 0 को, ठीक है, r इक्वल टू फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, r कॉमन ले लीजिए, 4 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कीजिए, तो 4 ट्रांसफ़र करेंगे, पहले r कॉमन लेते हैं हम, ठीक है, एट पाई प्लस 2π² माइनस k π इक्वल टू 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0 हो गया, k π को ट्रांसफ़र कीजिए, 8π प्लस 2π² इक्वल टू k π। ठीक है, यहाँ से देखिए 2π भी कॉमन आ रहा है, तो r इक्वल टू k π डिवाइड बाय 8π प्लस 2π² पाई कॉमन भी ले सकते हैं, पाई यहाँ से और पाई यहाँ से, कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल कर दीजिए,
तो r की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन a प्लस 2π। r की वैल्यू हमें मिल गई r इक्वल टू k अपॉन 8 प्लस 2π। ठीक है, इसे आप एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, आर इक्वल टू के अपॉन 8 प्लस 2π। ये r की वैल्यू कहाँ पुट करनी होगी, इक्वेशन नंबर 1 याद है आपको, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्स इक्वल टू, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2r हमें पुट करना है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लाया था एक्स इक्वल टू के माइनस 2πr/4, यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑन पुटिंग क्वेश्चन नंबर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r तो अब इसको यदि सेकेंड डेरिवेटिव में हम पुट भी करते हैं, वैसे तो इसमें आर है ही नहीं, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, जब इसे हम कहाँ पुट करें, सेकेंड डेरिवेटिव में आर इक्वल टू के बाई 8 प्लस 2π, तो क्या वैल्यू मिलेगा सेम, कि r का कोई टर्म है नहीं, ये मिल रहा है पॉजिटिव। ठीक है, कैसी वैल्यू है ये, पॉजिटिव, इसलिए जो हमारा एरिया है वो होगा मिनिमम, ये लिस्ट किस पॉइंट पे, एट आर इक्वल टू के अपॉन 8 प्लस 2π। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ठीक है, तो करना क्या चाहिए, ये तो हो गया, कंडीशन प्रूफ कर लेते हैं हम, क्या करें, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू क्या है याद होगा आपको, k माइनस 2πr/4 क्या है, k माइनस 2πr/4। ठीक, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है k बाई 8 प्लस 5 इंटू के बाई 8 प्लस 2π, के बाई 8 प्लस 2π डिवाइड किसे करना है, 4। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ से लेंगे ना 8 प्लस 2π। ठीक है, के से इंटू करना होगा, के इंटू 8 प्लस 2π माइनस 2π के डिवाइड बाई 4 इंटू 8 प्लस 2π। ठीक, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो गया, 8k प्लस 2π के, 2π के डिवाइड बाई 4 8 प्लस 2π, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 0।
क्या बचा ऊपर? 8k, 4, 8 प्लस 2π, 4 से फिर कैंसिल कीजिए, क्या मिलेगा? 2, 2k अपॉन 4, 8 प्लस, सॉरी 4 तो कैंसिल हो गया ना, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब k बाई 2, k बाई 8 प्लस 2π किसकी वैल्यू है? r की, किसकी वैल्यू है? r की, ठीक। इसको अलग करेंगे यदि हम, k बाई 8 प्लस 2π किसकी वैल्यू? r की, x इक्वल टू 2r। ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है वो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यहीं खत्म करते हैं। या जो स्टेटमेंट जो था वो भी आप लिख सकते हैं कि हैंस व्हेन ए इज लीस्ट व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। हैंस प्रूफ। नोट कर लीजिए।